गुड मॉर्निंग। आज का पार्ट है लेसन टू कंप्यूटर एथिक्स। कंप्यूटर एथिक्स मतलब हम कंप्यूटर जब इस्तेमाल करते हैं, कंप्यूटर इस्तेमाल करने के भी कुछ नियम और कानून होते हैं। हम ऐसे ही नहीं कंप्यूटर इस्तेमाल कर सकते हैं कि कंप्यूटर चला रहे हैं और किसी और कभी फाइल प्रोफाइल खोल के हम देख रहे हैं, उसमें से कोई भी चीज़ हम उठा लें और उसका गलत इस्तेमाल करें। तो कंप्यूटर इस्तेमाल करने के भी कुछ नैतिकता होती है, नैतिक बातें हैं। उसमें है कंप्यूटर एथिक्स में हैकिंग। हैकिंग इज ए अनऑथराइज्ड यूज ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क रिसोर्सेस। कंप्यूटर का इस्तेमाल बिना अनुमति के दूसरे का डाटा या दूसरे का कंप्यूटर बिना अनुमति के एक कंप्यूटर में संचित सूचना की दूसरे कंप्यूटर द्वारा चोरी करना अथवा हेरफेर करना हैकिंग कहलाता है। दूसरा सॉफ्टवेयर पायरेसी। सॉफ्टवेयर पायरेसी इज द अनऑथराइज्ड डुप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पायरेसी मतलब ये ऐसी चोरी है जो हमने प्रोग्राम उसको बनाया, एक प्रोग्राम हमने खरीदा, उसका इस्तेमाल डुप्लीकेट करके बिना मेरी अनुमति के उसको डुप्लीकेट करके बाजार में बेचना या दूसरे को उसका इस्तेमाल करने के लिए दे देना बिना किसी के जानकारी के, तो ये है अनऑथराइज्ड। कानूनी तौर पर यह जुर्म है। स्पैमिंग। स्पैमिंग एक ऐसी क्रिया है जिसमें लोगों को ऐसे ईमेल भेजे जाते हैं जिसे मांगा न गया, उदाहरण के लिए विज्ञापन या अप्रासंगिक चुनाव प्रचार। इसमें ऐसा होता है कि हम कुछ नेट पे कुछ सर्च कर रहे हैं या कुछ देख रहे हैं, बीच में आपके पक्ष ऐड आ जाता है, हमने उसको मांगा नहीं है, नहीं पूछा है, फिर भी वो ऐड आ गया कि आप इसको, अगर वो थोड़ा सा आपको दिलचस्प लगा आप तुरंत उस पर क्लिक करते हैं, उसको देखते हैं, उसे चुनाव प्रचार के हाँ हम इसमें इसमें, जिसका कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा महत्व नहीं है, फिर वो हमारे सामने आता है, थोड़े से अगर हमें उसमें दिलचस्पी हम उस पर क्लिक करते हैं, बोलते हैं उससे। ऐसी क्रिया द्वारा स्पैमिंग कहता है जिससे आपका डाटा को चोरी कर लिया जाएगा और आपके जाने भी नहीं जबरदस्ती आपको ऐसे विज्ञापन भेजे जाएंगे। दूसरा फिशिंग। एक ऐसी क्रिया है जिसमें अपराधी लोगों की संवेदनशील जानकारी चुरा लेता है। जैसे इंटरनेट ट्रांजैक्शन आजकल बहुत हो रहा है, तो बिना यूजर के जानकारी के उनका पासवर्ड चुरा लेना, उनका यूजर नेम चुरा लेना, उसके पास जितने भी हैं उनका लेन देन है उस पर नजर रख के उसमें से ऑनलाइन पैसा आपका चोरी कर लिया जाता है। उन सब को रोकने के लिए है सिक्योरिटी मेजर्स, यानी सुरक्षा के कुछ उपाय दिए गए हैं, जैसे कॉपी प्रोटेक्शन, प्राइवेसी ऑफ डाटा, कॉपीराइट एक्ट। इसमें अब है पहला कॉपी प्रोटेक्शन। कॉपी प्रोटेक्शन मीन्स हम अपना कंप्यूटर जो भी यूज कर रहे हैं उस पर सीडी पे डीवीडी पे हमको उसको लॉक लगा, उसको प्रोटेक्शन करना है, कोई और उसको कॉपी ना कर सके। और प्राइवेसी ऑफ डाटा, जो भी हम टेक्स्ट या डाटा अपने स्टोर किए हुए हैं कंप्यूटर पे, वो भी कोई उसका डुप्लीकेशन ना कर सके। अगर वो देखता भी है, इनकरप्शन एक ऐसा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है जिसको हम अपने कंप्यूटर में अगर यूज़ करते हैं तो उससे अगर कोई उसको एक्सेस कर भी लेता है तो वो उसको उसके किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि उसका लिखावट जो भी होगा अनयूजफुल होगा, उसका लिखावट ही बंद जाएगा, उसका मीनिंगलेस हो जाएगा वो शब्द, वो डाटा। और कॉपीराइट एक्ट, ये ऐसा एक्ट है जिसमें अगर जो भी उसकी मूल रचना है, कोई लिखता है अपना गाना बनाता है या किताब इस तरह की किताब की रचना करता है, लिखता है, उनकी मूल रचना है, जैसे वो खुद लिखेगा उसमें डालेगा उसका अधिकार उस पर रह जाए, उसके अनुमति के बिना कॉपीराइट एक्ट के तहत उसके अनुमति के बिना उसका
डुप्लीकेशन करना ये एक अपराध है। तो उसमें भारत सरकार नियम बनाया है कि एक सिंपल दिया गया है इसके लिए कॉपीराइट एक्ट के लिए सी। इस सिंपल द्वारा ऑल राइट रिजर्व्ड, जो भी वो अपने आप रचना किया है अपना, उसमें उसका कॉपीराइट का अधिकार हो गया है। आज के लिए इतना ही बच्चों, इसको समझिए। धन्यवाद।